सो तुम एक पेन पेपर लेते हो, बढ़िया स्क्रिप्ट लिखते हो, फिर उसे रिकॉर्ड करते हो, एडिट करते हो, थंबनेल बनाते हो, वीडियो एसईओ करते हो एंड फाइनली तुम पब्लिश बटन पर क्लिक करते हो, ये सोचते हुए कि ये वीडियो तो पक्का वायरल जाएगी, ऊपर वाला करे ऐसा ही हो और तुम वायरल जाओ भी। बट व्हाट इफ द वीडियो फेल्स, अगर उस पर व्यूज नहीं आते तो तुम वीडियो डालने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते क्या? बस बैठ कर डेड वीडियो देखते रहे क्या? एंड इसका जवाब है हाँ, इवन एक वीडियो को डालने के बाद भी रिवाइव कर सकते हो। और ऐसा मैं तो कई बार कर चुका हूँ, बट ऑलमोस्ट हर बड़ा यूट्यूबर इस टेक्निक के बारे में जानता है एंड मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट टेक्निक के बारे में बताऊंगा। तो इस हैक को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा आखिर एल्गोरिदम कौन सी वीडियो को वायरल करता है, उनमें ऐसा क्या खास होता है जिसमें उन पर मिलियन व्यूज आ जाते हैं बट हमारी वीडियो 100 से 200 व्यूज पर ही अटक जाती है। इसका सिंपल सा जवाब है, जो ऑडियंस को पसंद आता है वही एल्गोरिदम को पसंद आता है। और ऑडियंस की पसंद को जानने के लिए एल्गोरिदम दो सिंपल सी चीजें देखता है कि एक वीडियो पर क्लिक कितने लोग कर रहे हैं एंड उसे कितनी देर तक देखा जा रहा है। बट सवाल ये है कि वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, अब हम उस वीडियो के CTR और वॉच टाइम पर के साथ क्या कर सकते हैं? अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी क्विक हैक टू ग्रो डेड चैनल ऑन YouTube। तो वॉच टाइम की बातें हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, काफी लंबा वीडियो बनने वाला है। फिलहाल सवाल ये है कि CTR किस चीज पर डिपेंड करता है? ऑफ कोर्स तुम्हारी वीडियो की टाइटल और थंबनेल पर। अगर मैं तुम्हें थोड़ा बिहाइंड द सीन दिखाऊं तो क्लियरली देख सकते हो मैं लिटरली हर वीडियो के लिए 2 से 3 या इवन 5 थंबनेल तक बना देता हूं। और मैं एक तुम्हें पुरानी बात बताऊं कि मैंने एक वीडियो डाली थी, शुरू में इस पर नॉर्मल सी कम ही व्यूज आए थे लेकिन जैसे ही मैंने इसका थंबनेल चेंज कर दिया तो CTR एकदम से ऊपर गया और ये वीडियो वायरल हो गई। तो डेड चैनल ग्रो करने का हैक तो बड़ा ही सिंपल है कि हर वीडियो के लिए एक से ज्यादा टाइटल और थंबनेल ऑलरेडी बनाकर रखो। सवाल ये है कि हम ऐसा कर कैसे सकते हैं? तो सिंपल से चीजें बताऊंगा। थंबनेल में 2 से 3 टेस्ट आउट करना, सब सेम रखना, बस बैकग्राउंड बदल देना, फिर एक थंबनेल में फ्रंट कलर ही बदल कर देखना, फिर एक में टेक्स्ट ही बदल देना, एक एलिमेंट बदल कर देखना, एक अपने एक्सप्रेशन टेस्ट आउट करना। जब ये सब आप करोगे तो आपके सामने डेटा होगा व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट, कौन से एक्सप्रेशन पर ज्यादा व्यूज आते हैं, बैकग्राउंड के लिए कौन सा कलर बेस्ट है, टेक्स्ट कितना यूज करना है हमें एंड यही सब। अब से यही आदत को अपना बनाओ कि हमेशा एक से ज्यादा टाइटल और थंबनेल बनाना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सपोर्ट करोगे तो ही सपोर्ट मिलेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।